हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में सबसे पहले तो आपसे बात करने के लिए आया हूँ। एक्चुअली दोस्तों, कल मेरा वीडियो नहीं आ पाया, जैसा कि आपने देखा होगा मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसकी वजह से मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया और आप तक वीडियो नहीं पहुँचा पाया। दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हम लोग अपने चैनल पर क्या क्या करते हैं, क्योंकि कुछ नए लोग होंगे जो इस चैनल को अभी अभी फॉलो किए होंगे या अभी अभी पहली बार देख रहे होंगे। तो मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग अपने चैनल पे सिविल इंजीनियरिंग का हर एक टर्म को डिस्कस करते हैं। कौन कौन से टर्म्स? सॉफ्टवेयर्स, जो भी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कि रैबिट है, 3ds Max है, ऑटोकैड है, स्टैट प्रो है, ईटैब्स है, और इसके बाद फोटोशॉप है। ये सारे सॉफ्टवेयर्स हम लोग यहाँ पे, स्केचअप है, इनको हम लोग डिस्कस करते हैं इस चैनल पे। साथ ही साथ हम लोग मैनुअल डिज़ाइन डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से मैनुअल डिज़ाइन करने चाहिए हमको, और मैनुअल डिज़ाइन और सॉफ्टवेयर का कंपैरिजन भी बहुत जल्दी मैं लेके आने वाला हूँ। तो इस चैनल पे हम लोग सब कुछ अबाउट सिविल इंजीनियरिंग, वो चाहे स्ट्रक्चर इंजीनियर का हो, चाहे BIM इंजीनियर हो, या सर्वे इंजीनियर हो, या एस्टिमेशन इंजीनियर हो, हर एक के लिए यहाँ पे कुछ न कुछ यूजफुल कंटेंट आपको मिलता है। तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप इतना वायरल कर दीजिए कि हर एक सिविल इंजीनियर इस वीडियो को देखे दोस्तों। क्योंकि जैसे अभी मैं बीमार हो गया, तो थोड़े अगर वीडियो नहीं बना पाया, तो मैं पहले से वीडियो बना के अभी आगे से रखना स्टार्ट करूंगा, जिससे कि हम लोग डेली वीडियोस डाल सकें। दोस्तों, आप कई लोगों ने मुझे मैसेज किया, सर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मैंने व्हाट्सएप पे आंसर दिए, ऐसे आंसर थे कि जिसको कई और लोग भी दे सकते थे। जैसा कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं, तो आप भी उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते थे। तो मेरे दिमाग में ये आया कि अगर कोई ऐसा ग्रुप हो, जिस ग्रुप के थ्रू जो इजी क्वेश्चन है, जो या जो क्वेश्चन आपको आते हैं, वो क्वेश्चन का आंसर अगर आप भी दे देते हैं, तो हम सब मिलके, सारे सिविल इंजीनियर मिलके एक अच्छा सा ग्रुप और अच्छा सा नॉलेज शेयर कर सकते हैं एक दूसरे से। साथ ही साथ आपको जॉब में कभी कभी प्रॉब्लम आती है, तो उसमें भी मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअली दोस्तों, मुझे कुछ आप ही लोगों ने कुछ कमेंट करके बताया यहाँ पे कि हमें सर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाना चाहिए। तो हमने देखा व्हाट्सएप ग्रुप से अच्छा, कुछ लोगों ने मुझे बताया कि टेलीग्राम ग्रुप बहुत ही अच्छा होता है सर। दोस्तों, तो मुझे बताया गया कि टेलीग्राम काफ़ी अच्छा है और आप ही लोगों ने सजेस्ट किया था। तो सबसे पहले तो मैं टेलीग्राम पे यूनिक सिविल नाम का पेज बनाया हूँ। तो आप सब पहले तो मुझसे आज से ही टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, क्योंकि मैं आज से ही आपसे क्वेश्चन आंसर करना चाहूँगा। ढेर सारे क्वेश्चन आपके आएंगे और ढेर सारे हमारे तरफ से आंसर आपको जाएंगे। साथ ही जो भी नए अपडेट्स होंगे सिविल इंजीनियरिंग के, जो नई केस स्टडीज़ होंगे, जो नए रिसर्च होंगे, हम चाहते हैं कि उन पर भी डिस्कस हो हम लोगों का। कुछ लोग एमटेक कर रहे होंगे, उनको अपने प्रोजेक्ट क्या करने हैं, ग्रीन एनर्जी बिल्डिंग का करना है, ग्रीन कंक्रीट का करना है, कुछ नए अपडेट करने हैं, तो एमटेक वालों को भी यहाँ पे हेल्प मिल जाएगा। अगर आप पीएचडी कर रहे हैं, तो पीएचडी के लिए भी हम लोग यहाँ पे रिसर्च टॉपिक्स कुछ डिस्कस करेंगे, जिससे आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगा। बीटेक वालों के लिए हम लोग एक एक टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस कर ही रहे हैं, तो बीटेक के लिए भी हो गया। डिप्लोमा के लिए भी हम लोग यहाँ पे कॉपी टॉपिक लेके आ रहे हैं, और ITI के लिए भी है। तो हम क्या चाहते हैं कि जो भी नए अपडेट्स निकले मार्केट में, जॉब्स निकले, उन सबको हम टेलीग्राम पे आप तक पहुंचा सके, जिससे कि आपकी हेल्प हो सके। कि मैंने बोला कि अगर आपको इंटरव्यू में गए, और आपने अभी एक रोहित नाम के स्टूडेंट है, तो वो गए थे जगह इंटरव्यू देने के, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया, सर ये क्वेश्चन हमारे इंटरव्यू में पूछा गया, हमें बहुत अच्छा लगा कि वो फ़ोन करके उन्होंने शेयर किया कि सर ये क्वेश्चन पूछा गया। इसी तरीके से आप भी इंटरव्यू देने जाते हो, ढेर सारे मैंने भी इंटरव्यू आपको ढेर सारे देखे यहाँ पे, स्ट्रक्चर के लिए और नॉर्मल इंटरव्यू, साइट इंजीनियर के लिए हमने ढेर सारे वीडियोस तैयार किए। ऐसे ही ढेर सारे क्वेश्चन आपसे और भी पूछे जाते हैं, 60% 70% तो मेरे क्वेश्चन होंगे, और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उनको हम टेलीग्राम पे आप डालेंगे, हम उनको आपको आंसर करेंगे, प्लस दूसरे लोग देखेंगे, उनको भी प्रॉफिट होगा, उनको देखेंगे कि अच्छा ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इंटरव्यू में हमको ये तैयार करना चाहिए। कुल मिला के हम टेलीग्राम पे सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन करना चाहते हैं आपसे, ज़्यादा से ज़्यादा नई नई चीज़ों का डिस्कशन करेंगे हम लोग। और इसके साथ ही साथ मैंने इंस्टाग्राम पे पेज इसलिए बनाया कि अगर हम लोग यूट्यूब पे आते हैं, आप यूट्यूब पे तो आप देखते ही हैं, डेली हम लोग दिन में एक वीडियो अपलोड करते हैं, लेकिन कुछ छोटे छोटे क्लिप्स होते हैं जो साइट पे होते हैं, कुछ छोटे छोटे क्लिप्स होते हैं जो मुझे शेयर करने का मन करता है आपके साथ। रोड पे चलता हूँ तो वहाँ पे भी कुछ दिमाग में आता है, तो उनके लिए मैंने सोचा कि एक इंस्टाग्राम का पेज बनाते हैं। इंस्टाग्राम के पेज पे जो भी मुझे दिमाग में आता है उस टाइम पे, या कुछ मैं जैसे अभी कभी कभी हम लोग साइट विजिट करते हैं, उस टाइम पे कई नई नई चीज़ें होती हैं, जैसे हनीकॉम आया है, उसको कैसे रिड्यूस करें, उसके साथ कभी कभी देखता हूँ कि लैपिंग ठीक नहीं है, लैपिंग कितना होना चाहिए। तो मैंने सोचा कि अगर छोटे छोटे अगर क्लिप हमें पता रहेंगे, अगर हम तुरंत आपसे शेयर कर सके, तो बस आज के टाइम में एक फ़ोटो खींचना है और फोटो खींच के उसके क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करना है। तो मैंने सोचा कि इंस्टाग्राम पेज भी हम लोगों के लिए काफ़ी योगदान रहेगा, यूजफुल रहेगा।
तो आप कोशिश करिए कि यूनिक सिविल आकाश करके यहाँ पे हमारा इंस्टाग्राम का पेज है और यूनिक सिविल करके टेलीग्राम का पेज है, कृपया उसको फॉलो करिए। बाकी फेसबुक और इन सब जो सोशल मीडिया साइट्स पे तो हम लोग हैं ही, लेकिन आज से हम लोग सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे कि टेलीग्राम पे ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्वेश्चन के आंसर दे सके और इंस्टाग्राम पे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा। और आपको भी अगर लगता है कि ये चीज़, जैसे आप कुछ लोग साइट इंजीनियर हो गए, आपको लगता है कि ये चीज़, ये जो क्लिप है, ये जो एरर है, ये एरर लोगों तक जाना चाहिए। जैसे कि एक दिन मैं देख रहा था, एक मेरा स्टूडेंट था, तो वो क्या कर रहा था, उसने एक कॉलम का कॉलम तैयार करवाया जिसमें पूरा का पूरा हनीकॉम से भरा था कॉलम, बहुत ढेर सारा हनीकॉम का सिंबल्स आ गए। तो अब अगर ऐसे क्लिप्स आपको ही मिलते हैं तो आप क्या करो, उनको जस्ट रिकॉर्ड करो और रिकॉर्ड करके उनको बोल लो कि ये प्रॉब्लम है, देखिए ये प्रॉब्लम क्यों आई, और उनको इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे आप शेयर करिए। मैं उसको अपने जो हमारी सोशल नेटवर्किंग साइट्स है उस पर प्रमोट करूंगा और आपका उसमें काफ़ी हद तक फायदा होगा। कुछ लोग बोलते हैं, सर मैं बहुत अच्छी अच्छी मॉडलिंग करता हूँ और मुझे जॉब नहीं लगती है। तो आज मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि आप जो भी मॉडलिंग कर रहे हैं, आपको लगता है यहाँ पे अगर क्लिक हो रहा है कि नहीं ये मॉडलिंग बहुत ही अच्छी है, वो मॉडलिंग मुझे भेजिए अपना नीचे इंस्टाग्राम का, अपना नीचे क्या बोलते हैं, ईमेल आईडी लिख दीजिए और मोबाइल नंबर लिखिए और मुझे शेयर कर दीजिए। उसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाऊँगा। उसमें जितने आर्किटेक्ट होंगे, क्योंकि मेरे कनेक्शन में काफ़ी ढेर सारे आर्किटेक्ट, काफ़ी ढेर सारे स्ट्रक्चर इंजीनियर हैं, तो वो देखेंगे, उनको यूज़फुल लगेगा तो वो आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे, बहुत ही ज़्यादा आपके जॉब के ऑप्शंस खुल जाएंगे। सो अगर आपको कोई चीज़ लगता है कि मैं बहुत परफेक्ट के साथ कर रहा हूँ, तो उसको कोशिश करिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम तक पहुँचाने की कोशिश करिए, तो हम आपका ही उससे क्या होगा कि आप काफ़ी हद तक दूर तक फैल जाएंगे। जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि ढेर सारे 3D मॉडल को सेल कैसे करेंगे। 3D मॉडल को सेल करने के लिए मैंने बताया था कुछ साइटें हैं जिन साइटों पर जाके सेल कर सकते हो। तो अगर आपका मॉडल अच्छा होगा तो हम अपने थ्रू भी आपको उस मॉडल को सेल कर देंगे और जो भी उसका आपको लाइक प्रॉफिट आएगा, उस प्रॉफिट को आप तक हम लोग पहुँचा देंगे, या हम आपको लिंक दे देंगे कि यहाँ पर अपलोड कर दीजिए, आपको आ जाएगा प्रॉफिट, तो वो भी हमारी टीम कर देगी। सो कृपया अगर आपके पास ऐसे कोई मॉडल हैं तो मॉडल हम लोगों के साथ शेयर करिए और हम आपको बताएंगे इससे क्या क्या कर सकते हैं, उस मॉडल में सुधार क्या क्या करने की ज़रूरत है। कोई स्ट्रक्चर आप डिजाइन कर रहे हो, उसमें कुछ एरर आ रहा है, कुछ वार्निंग्स आ रही हैं, आपको नहीं समझ आ रहा है कि क्या एरर है, क्या वार्निंग है, आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दीजिए, उसमें से काफ़ी लोग आंसर कर देंगे। अगर नहीं करते हैं तो मैं खुद आंसर करूंगा और आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा हर एक क्वेश्चन का, हर एक पोस्ट का आपके रिप्लाई में जरूर कर देने की कोशिश करूंगा। ट्विटर भी हम लोगों ने चलाया, यार हमारी टीम काफ़ी काम कर रही है, तो ट्विटर पे भी हम लोग हैं इस समय। तो अगर आपको ट्विटर पे भी फॉलो करना है, क्योंकि हमारी वीडियोस कुछ लोग ट्विटर पे होंगे, तो कोशिश करिए कि वहाँ पे भी हमें फॉलो कर लीजिए, तो जो भी नए अपडेट्स होंगे, जो भी नया नॉलेज शेयर करने का होगा, हम लोग वहाँ पे एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं। तो हम लोगों का इस तरीके से हमने कुछ नए नए सोशल नेटवर्किंग पे काम किया आज, और थोड़ा सा बीमार था यार, इसलिए वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन आपका लाइक जो कल नेक्स्ट वीडियो आएगा वो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, बहुत ही जल्दी कम्युनिटी में आपको पता चल जाएगा। बता देता हूँ कि मैंने सेक्शन और एलिवेशन के बारे में बहुत ही डीप लेवल पर लेके आ रहा हूँ, उसमें डोर और विंडो के प्लेसमेंट कैसे करते हैं उनके बारे में डीप में डिस्कस करूँगा आपसे, उसके स्टैंडर्ड क्या होते हैं वो सारी चीज़ें भी डिस्कस करूँगा। और लेकिन अभी अभी इस वीडियो में मैं नहीं बना पाया वो सब चीज़ें, क्योंकि थोड़ी सी यार अभी मन नहीं कर रहा था, थोड़ा थका था, तो मैंने सोचा कि आप तक पहुंचना ज़रूरी है, तो मैंने कुछ इंस्टाग्राम और ये सारे पेजेस बनाए। कृपया अगर आपको लगता है कि मैं कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देता हूँ, तो उन वीडियोस को आप प्लीज़ इन जो पेजेस हैं इनको लाइक कर दीजिए यार, जिससे कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को एक्सप्लोर कर सकें। आपको लगता है कि सर मेरी कुछ हेल्प कर सकते हैं, डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प करूँगा, आप इन पेजेस पे कांटेक्ट करो, जो हो सकता है मेरे से, चाहे जॉब से रिलेटेड हो, चाहे सॉफ्टवेयर लर्निंग से रिलेटेड कोई चीज़ हो, या कुछ एरर हो, या आपको लगता है कि मेरे इस सब्जेक्ट में बैक है, इस सब्जेक्ट को कैसे निकाला जाए, उसके लिए भी आप मेरे से बात कर सकते हो, क्योंकि मेरे को भी मतलब मुझे स्ट्रक्चर के सारे सब्जेक्ट नॉलेज है, और तो मैं कोशिश करूंगा कि आप तक भी इसको पहुंचाने की कोशिश करूं। मैं आपको एक चीज़ और सजेशन देना चाहूंगा, काफ़ी लोग बहुत ही अच्छा अच्छा स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो स्ट्रक्चर बना के वो लोग फेसबुक वगैरह पर अगर शेयर करें, तो उससे ये होगा कि जो अच्छे नॉलेज वाले बंदे हैं वो आपसे कनेक्ट होंगे, आपसे ढेर सारे क्वेश्चन आंसर पूछेंगे, तो आपकी एक टीम तैयार होगी और आपका जो फ्रेंडशिप एरिया है ना वो थोड़ा सा सिविल वाला होगा,
तो उससे क्या होता है कि उससे जब फेसबुक, जब आपके एरिया जो हो रहा है वो सिविल वाला हो रहा है, तो आप ज्यादा से ज्यादा लोग सिविल वाले लोगों से कनेक्ट में आ रहे हो। लेकिन मैंने फेसबुक पे भी इसीलिए ही किया, फेसबुक पे मैंने क्या किया, पेज बनाया। पेज बनाने के बाद अब मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जुड़ रहा हूँ। क्यों? जिससे कि आपकी भी हेल्प हो सके, साथ ही साथ हमारा भी हो कि अगर हमें कभी किसी भी चीज की जरूरत हो, किसी भी स्ट्रक्चर को का वीडियो बनाना है मुझे, अगर उसके रिलेटेड मुझे कुछ मटेरियल चाहिए, तो अगर आप सब एक साथ जुड़े हैं तो उससे रिलेटेड मटेरियल किसी न किसी के पास होगा। इसीलिए मैंने फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, हर जगहों पे अपने नेटवर्क को पहुंचाने की कोशिश की है। और जैसे कि और भी बहुत ढेर सारी साइटें हैं, लेकिन आपको इतने, अगर मेन साइटों पर आप डिस्कस करते हो, लाइक अगर यहाँ पे आप अपने आप को पोस्ट करते हो, तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके साथ। मैं दोस्तों ये सब सोशल नेटवर्किंग साइटों का आपको बहुत ढेर सारा फायदा होगा। चलिए, आपको विश यू ऑल द बेस्ट, और अब हम लोग मिलेंगे टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे और अपने दूसरे नेटवर्किंग साइट। तो आप लोग क्वेश्चन पूछेगा, मैं आंसर करूंगा। सिर्फ मैं नहीं देना चाहता आंसर, मैं चाहता हूं, मेरा ओपन, सारे पेजेस मैंने ओपन कर रखे हैं, सो आप भी उसमें आंसर करिए और आप भी क्वेश्चन पूछिए। आपको जो प्रॉब्लम आती, चाहे रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर, रिलेटेड टू सब्जेक्ट, आप आइए और हम लोग मिलके एक दूसरे का नॉलेज शेयर करेंगे, एक दूसरे को नॉलेज बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और कहते हैं ना कि जितना नॉलेज आप बढ़ाओगे उतना आपका नॉलेज बढ़ता है। सो किसी कभी भी नॉलेज शेयर करने से पीछे मत होना। अपने इंडिया में बस एक ही चीज़ की मैंने मेंटेलिटी देखी है, कई लोगों ने बोला कि आप फेसबुक पे या यूट्यूब पे इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर कर देते हो तो लोग आपके पास क्यों आएंगे। मैंने बोला ऐसा नहीं होता है यार, नॉलेज कभी भी शेयर करने से ख़त्म नहीं होता है, बल्कि उससे मुझे और नॉलेज मिलता है। कब? जब आप सब क्वेश्चन पूछते हो तो मैं उस क्वेश्चन के बारे में आंसर सर्च करता हूँ, मैं उनके बारे में पढ़ाई करता हूँ। तो मैं तो डेली 3 से 4 घंटे आज की भी पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मेरे तो डेली नॉलेज बढ़ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी डेली, चाहे वीडियो के थ्रू, चाहे बुक के थ्रू, अपने नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करो। डेली कुछ न कुछ पढ़ के ही रात में सोया करो, आपको बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी। इसी के साथ चलते हैं और मिलते हैं आपके साथ कल के वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस गाइज़।